हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड विद योर स्टडीज. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू समथिंग विच इज़ यूनिक. कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा मैं चाहूँगा इसमें ऐसा करना जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे और कुछ नया भी हो. एंड डियर स्टूडेंट्स, this is the idea I have always used in my classroom with my very very lovely students whom I have been very much missing these days. जब मैं बहुत उनको miss कर रहा हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों को जो आज हमारे साथ classes में नहीं हैं. इस lockdown period के दौरान हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें नहीं पढ़ा पा रहे हैं. But with the help of this of my YouTube channel English Classes with Sanjeev Goswami, I am very very much connected with all of you dear ones. आपसे बहुत अच्छी तरह connected हूँ और वो जो पुराने students जो पहले कभी रहे मेरे classroom में, जो मेरे इस चैनल के जरिए मुझसे एक बार फिर जुड़े हुए हैं, मैं उनके थैंक्स कहना चाहता हूं, उनके प्यार के लिए, उनके आदर के लिए. बहुत बहुत मिस कर रहा है, आप लोगों को बहुत मिस करता हूं. लेकिन आप दुनिया में जहां कहीं भी हैं, कामयाब हैं, अच्छे हैं और याद रखिएगा आप सबकी जगह हमारे दिल में, आप सब यहाँ हैं. जब भी आप कमेंट करते हैं मैं आपको आपके नाम से तुरंत पहचान लेता हूँ. हो सकता है थोड़ा ईयर का मैं याद ना हो कि आप 2011 के बैच के हुए हैं या 2008 के हैं, बट आई एम ऑलवेज विद यू डियर वंस, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट एंड माइंड. ठीक है, आइए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वीडियो के जरिए. मुझसे बहुत से बच्चों ने कहा है, पुराने स्टूडेंट्स ने, कि सर जैसे आप क्लास में सिखाते थे ऐसे लिखना आपने इस चैनल के माध्यम से सिखाइएगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा. आइए, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कंपोजिशन, हाउ टू राइट एन ऐसे, निबंध कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें. कई बार तो हम ऐसे वैसे लिख लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसे लिखने के लिए हमें कुछ स्पेशल तो करना ही होता है. सबसे पहली बात, मैंने हमेशा अपने क्लासरूम में बच्चों से यही कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इसको तैयार करके जरूर जाइए, क्योंकि ऐसे तो आप एकदम नहीं कर सकते. आप गए और एकदम आप क्रैक कर गए, क्योंकि इसमें रिस्क भी है. और कंपोजिशन का ये पार्ट जो है ऐसे राइटिंग, आई पर्सनली फील इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यू नो मीनिंगफुल थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू लर्न. हर स्टूडेंट को ऐसे लिखना आना ही चाहिए. और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को एक पेज का, दो पेज का, चाहे छोटा सा आर्टिकल लिखने के लिए कहा जाए या एक बड़ा लॉन्ग कंपोजिशन ऐसे लिखने के लिए कहा जाए, इट्स ऑलवेज अ वेरी वेरी टफ जॉब. ये आसान नहीं होता. और बड़े बड़े ऊंचे कॉम्पिटिशन्स में, चाहे सिविल सर्विस में देखें, वहाँ भी ऐसे राइटिंग को इम्पोर्टेंस हमेशा से मिली है. तो इस ट्रिक को हम कैसे करते हैं, आइए मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की. अच्छा लगे तो इसे अप्रिशिएट करें. जैसे मैंने एक ऐसे तैयार किया और उस ऐसे का नाम था माई बेस्ट फ्रेंड. मैं रट्टा मार के गया घर से, या मैं समझ के गया, या मैं सीख के गया एक ऐसे, और मैंने वहाँ पर जो ऐसे लिखा जो मुझे याद था, उस ऐसे का नाम था माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मुझे याद है. और मैंने जाते ही वहाँ पर शुरू कर दिया जैसे अमूमन करते हैं. देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड इन दिस क्लास देर इज अ स्टूडेंट हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हिज नेम इज राम श्याम गुरनाम रहीम सलीम विकास, कोई भी. ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं. चाहे छोटे क्लासेस में होगा तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे. ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, ही कम्स टू स्कूल एवरी डे, ही इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास. ठीक, ऐसे तो लिखेंगे. बड़ा क्लास में होगा तो कुछ और अच्छा लिख देंगे, थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंसेस का यूज करेंगे कि राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ही हैज़ लेड आवर कॉलेज इन द कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर एंड आवर कॉलेज won the trophy, a competition, कोई भी, या he is the captain of my college cricket team, ऐसे करके कुछ और बड़ा चढ़ा लिख दें. लेकिन जो मेन चीज़ है कि हमने my best friend जो ऐसे तैयार किया वो जाकर हमने बोर्ड पर हेडिंग डाल के पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन क्यों लिखेंगे? बिकॉज हम जो फ्रेंड के बारे में लिख रहे हैं वो फ्रेंडशिप के बारे में लिख सकते हैं. आ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड वगैरह वगैरह. सो अ गुड फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. और फिर वहाँ से माई बेस्ट फ्रेंड उसकी जो है
क्वालिटीज़ पे लिखने शुरू कर देंगे, फिर उसका मॉरल सपोर्ट मेरे लिए क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए, लिख के हम कहानी पूरा ख़त्म कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि हम ऐसे तैयार करके गए माई बेस्ट फ्रेंड, और वहाँ पर ऐसे दूसरा आया, इस ऐसे का नाम था एन आइडियल स्टूडेंट। अब हम क्या काम करेंगे, हमने ऐसे किया माई बेस्ट फ्रेंड और ऐसे आया एन आइडियल स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे, एन आइडियल स्टूडेंट शुरू करेंगे और यहां पर इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे। साहब कहानी कुछ ऐसे लिखेंगे, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, दे ऑल आर वेरी गुड। समझिएगा बस केवल, ठीक है। अब हमें याद आ गया हमारा, हमने रट के गए थे माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर हमने उसकी एंट्री कर ली, इन ऑल दीज स्टूडेंट्स देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड राम। अब हमें वो कहानी याद आई, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब हमने जितना वो माई बेस्ट फ्रेंड का जो हमारे पास रॉ मेटेरियल कच्चा पदार्थ था वो हमने यहाँ भर दिया। अब इससे पहले कोई इसे समझे ये बेस्ट फ्रेंड लिख रहे हैं, हम याद दिलाया किसी को कि हमारा ऐसे तो है एन आइडियल स्टूडेंट, तो यहीं लिख देंगे राम हैज सो मैनी क्वालिटीज दैट्स वाई या देयरफोर He is an ideal student। हो गया। अब फिर वही कहानी, his qualities। अब हमने जो my best friend की qualities थी कि he is a very good sports person, he is the best student of the class, है ना, he is very loving, he loves words, animals, he helps the poor, ये जो हमने my best friend की सारी कहानियाँ थी वो हमने लाकर यहाँ पर एन आइडियल स्टूडेंट में लगा दी, और फिर बीच बीच में याद दिलाते रहे बिकॉज राम हैज सो मैनी क्वालिटीज, ऑल द टीचर्स लव हिम वेरी मच एंड दे कॉल हिम एज द आइडियल, एज एन आइडियल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। हो गया। अब मान लीजिए हमने ये दो ऐसे मैसे भी नहीं आया, और वहाँ पर जब वो देखा जाकर पेपर में तो वहाँ पर ऐसे रखा मिला द पिकनिक, हम थोड़ा घबराएंगे कि ये तो कुछ अलग हटके हो गया, बट डिस्करेज नहीं होंगे, थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे, गियर बदलेंगे, बैक गियर लगाएंगे, और अब क्या काम करेंगे, हमने ऐसे लिखा पिकनिक पर लिखना है तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे और लिखेंगे वी वर्क ऑल द डेज सो मच दैट वी नीड सम टाइम टू एंजॉय। ठीक। देयरफोर वी डिसाइडेड ऑन लास्ट संडे टू गो फॉर आ पिकनिक। इतना लिखा। अब हमें याद आ गया हमने कौन सा ऐसे याद करा, माई बेस्ट फ्रेंड।
पिकनिक किसके साथ जाना है? ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पे हमने शुरू कर दिया। माई फ्रेंड्स ऑन द पिकनिक। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आई कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू गो टू पिकनिक। फिर यहां पे सारे दोस्तों को नाम लिखेंगे हमने। आई कॉल्ड राम, श्याम, रहीम एंड मुकेश, हरीश। ओके, फिर यहां पे लिखेंगे कि हम पिकनिक पर गए एंड इन दैट पिकनिक वी एंजॉयड वेरी मच एंड आई एंजॉयड मोस्ट विद माई बेस्ट फ्रेंड। कौन है बेस्ट फ्रेंड? राम। आई एंजॉयड मोस्ट विद माई बेस्ट फ्रेंड, हिज नेम इज राम, बिकॉज राम हैज सो मैनी क्वालिटीज। एंड वंस अगेन जो राम का हमने वो माई बेस्ट फ्रेंड की कहानी थी, एक बार फिर वही शुरू कर दी। और इस तरीके से इस ऐसे में भी ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 25-30% हमारा बेस्ट फ्रेंड का ऐसे यूज हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत हम अपने पास से लगाएंगे और एक ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक लगाते हैं। अब मान लीजिए अब ऐसे आ गया साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, आता रहा है इंडियन फार्मर। अब ऐसे आ गया इंडियन फार्मर। अब आपको लगेगा फार्मर का क्या करें? अरे भाई क्या नहीं करना है, आइए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिली एंड माई बेस्ट फ्रेंड राम इज ऑल्सो अ सन ऑफ अ फार्मर। अब क्या करना है? राम हैज सो मैनी क्वालिटीज, जो सारी हमने क्वालिटीज माई बेस्ट फ्रेंड की थी यहां से पकड़ ली और इस ऐसे में 25-30% हमने वो यूज किया। और बीच बीच में हम फार्मिंग के बारे में, जो राम कॉलेज में टाइम से आता था, जो राम कुछ देर पहले क्लास में का बेस्ट स्टूडेंट था, अब वो राम कॉलेज में टाइम से आता है लेकिन छुट्टियों में खाली टाइम में अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है। वो अपने पिता की खेती में बहुत मदद कर रहा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत ही हेल्पिंग सन भी है। गॉट इट? और वो एक आइडियल स्टूडेंट था, तो अब यहाँ पर वो एक आइडियल सन है, एक आदर्श बेटा है, एक आइडियल पर्सन है सोसाइटी का, एक समाज का, एक आने वाले समय का एक आदर्श नागरिक भी है और व्यक्ति है। ऐसे ही लोग जो एक अच्छे किसान के बेटे हैं, जो अपने माँ बाप की मदद कर रहे हैं खेतों में, वही अच्छे बच्चे आप ही सब लोग क्लासेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे चलकर ये जिम्मेदारी निभाने के बाद आप इन्हें सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कि देश का निर्माण में भी आप सहायक होते हैं एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एज वेल एज द सोसाइटी द वर्ल्ड। गॉट इट? अब एक ऐसे में और चाहता हूं ऐसे जोड़ दें इसमें इसी के साथ। अब मान लीजिए ये ऐसे भी नहीं आया, अब आ गया इंडियन फेस्टिवल।
मान लीजिए हमें लिखना है दिवाली, मुझको ये बताइए फेस्टिवल पर ऐसे आ गया और त्यौहार मनाते किसके साथ हैं? परिवार के साथ और साथ ही साथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। और मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? राम। तो हम यहाँ से फिर कहानी शुरू करेंगे। एवरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद आवर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज विद आवर फ्रेंड्स। अब क्या करा, ऑन दिस ईयर एट होली आई एंजॉयड वेरी मच विद माई फ्रेंड्स। शॉर्ट में लिखेंगे, होली पर मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़ा मजा लिया। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ लिया? माई बेस्ट फ्रेंड राम। गॉट इट? यहां पर फिर आ जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड राम वाज विद मी, ही हैज सो मैनी क्वालिटीज। हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कैसी लगी? इस तरीके से कोई भी ऐसे दो चार पांच ऐसे के ग्रुप बना लीजिए, आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इनकेस एनी प्रॉब्लम मुझे बताइए कि आप दो चार इंपॉर्टेंट ऐसे जो आपको लगते हों उनको भी कनेक्ट करके हम एक नया ऐसे बना सकते हैं। और एक ही तरीके से जो भी कंटेंट हम पढ़ के जाएँ, जो भी हम कहते हैं मटेरियल लेकर जाएँ, मेरा ये मानना जो कुछ भी हम पढ़ कर गए हैं हमें वहाँ पर वो कॉपी पर लिखना है। और ऐसे लिखने की जो आर्ट है ये ऐसे ही डेवलप करें। और बीच बीच में चार पाँच या चार चार ऐसे के टॉपिक उठा के ट्रिकी करके बना कर देखिए, ऐसे आपको बंच मिल जाएंगे। अगर आपकी इंपॉर्टेंट्स की लिस्ट में 20 ऐसे हैं तो आप 5 में ऐसे सारे ऐसे जो हैं कंप्लीट कर लेंगे, 4 में कर लेंगे। अगर आपके पास 40 की लिस्ट है तो आप 7-8-10 में कर लेंगे। मेरे ख्याल से कि 8-10 ऐसे 12 ऐसे बहुत होते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो। ये 10 to 20 का जो बंच है ये आपका सारा क्लास 9 to 12 का सिलेबस कंप्लीट कर देगा। इसी ट्रिक से आप नए नए उसमें आइडिया जोड़ते रहिएगा। आगे एक और ऐसी वीडियो में आपको हम कुछ और सिखाएंगे, आर्टिकल लिखना सिखाएंगे और बहुत जल्दी नोट मेकिंग के बारे में जान बताएंगे, अनसीन पैसेज की ट्रिक बताएंगे। घबराइएगा नहीं, यहीं रहिएगा एंड एंजॉय विद योर स्टडीज़। बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।